दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में 11 साल के बच्चे के अपहरण की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया है, इसके साथ ही दो बदमाशों को एनकाउंटर में गिरफ्तार भी कर लिया। दरअसल ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक वन क्षेत्र में रविवार को एक 11 साल के बच्चे का अपहरण हो गया था। बदमाशों ने बच्चे के पिता से 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। पुलिस ने तुरंत टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने महज 10 घंटे के अंदर ही आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुठभेड़ से भाग रहे बदमाशों में से दो को पैर में गोली मारकर दबोच लिया, जबकि दो मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि इकोटेक थाना वन क्षेत्र के लुक्सर में रहने वाले व्यापारी के बेटे का कल दोपहर 12:30 बजे से लापता था। बच्चे के पिता से 30 लाख रुपए की फरौती की मांग की गई थी। बच्चे के पिता मीक सिंह जनरल स्टोर की दुकान चलाते हैं। बच्चे के पिता मीक सिंह ने पुलिस को सूचना दी कि उनके बच्चे का अपहरण हो गया है और बदमाश 30 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। पुलिस ने तुरंत इस मामले में टीम गठित की और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस को मुखबिर की सूचना पर पता चला कि बदमाश बच्चे को लेकर इकोटेक थाना क्षेत्र के एक जगह पर जा रहे हैं। पुलिस की टीम पहुंच गई है और बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। दो बदमाश विशाल और ऋषभ पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जबकि दो बदमाश मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। पुलिस के आला अधिकारियों ने अपहरण में मासूम बच्चे को भी सकुशल बचा लिया है। लड़का जो हर्ष है वो किसी अज्ञात बदमाशों द्वारा किडनैप कर लिया गया है और 30 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड उनसे की जाती है। ये सूचना पुलिस थाने पे प्राप्त होते ही ग्रेटर नोएडा जोन की अलग अलग टीमों द्वारा संभावित स्थानों पर दबिश दी जाती है, चेकिंग की जाती है। उसी क्रम में मुखबिर के माध्यम से ये सूचना प्राप्त होती है कि कुछ अज्ञात बदमाश एक बच्चे को लेकर के थाना इकोटेक क्षेत्र में आ रहे हैं और फिरौती की रकम के लिए वो आ सकते हैं।